माँ बाप के नाम पर आप लोग ठकाइए नहीं। दिन में आपके घर से डकैती करके वो पंडित चला जाता है, डकैती हुआ ना। आप लोग के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए आप लोगों को दिन में ठग करके दूठो पंडित आता है और मूर्ख बना करके चला जाता है। नहीं, समाज को फायदा है ना, उसे समाज को इसलिए फायदा है, ये जो दो कट्ठा जमीन लेगा कैसे इसको दो कट्ठा बेचवा दे, 10-20 हजार 50 हजार पंडित ले ले और 1 लाख ही भोज करे, 2 कट्ठा जो लेगा उसको बेचवाइए दे दे। मुख कपाट जो है ठका जाता पहल पहल विद्वान बोले सदगुरुदेव की, बड़े बड़े विद्वान ठका जाइए माँ बाप के कलम। इसलिए सुनिए आप लोग, आप लोगों को सदगुरु कबीर ने आंख दिया, वाणी के द्वारा ज्ञान दिया, वाणी के द्वारा समझाने का प्रयास किया। नहीं, उस बात को समझिए, मैं पंडित बनाइए, अपने बेटा को पंडित बनाइए, अपनी जात में दुसाद चमार खतवे पंडित हो गया, अतेली में कोई पंडित नहीं होता। हम उसको कहते तू भी पंडित बन, और तुम जो है ये श्राद्ध पूजा पाठ करो, काहे तुम 1 लाख रुपया उसमें ठकाओगे, इसको 5,000 में तुमको कर देगा। लेकिन जात के मंत्र से, तेली के मंत्र से स्वर्ग नहीं पहुंचेगा, किसके मंत्र से पहुंचेगा, उसी बोलिए सतगुरुदेव की। हमारे तेली में भी एमए हैं, पीएचडी हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, कलेक्टर हैं, डीएम हैं। उस मास्टर को, उस प्रोफेसर को पंडित बनवाइए और उसी से पूजा पाठ कराइए, सस्ते में कर देगा, ठकेगा तो नहीं, जो आप खुशी से दीजिएगा लेने। लेकिन जो मेमोरी में बैठ गया है कि हमारे ही मंत्र से स्वर्ग जाएगा, इस स्वर्गन का भी सुधरने वाला है। बोलो सदगुरुदेव की। बेसी करवा बात कहेंगे तो रिएक्शन लगेगा। अब आइए प्रवचन की ओर। मच्छर धन इसलिए आज भी ठका रहा है, और आपके धन से, आपके रुपया पैसा से उसका बेटा विदेश पर रहा है। बोलो सदगुरुदेव की। आक्रोश तेज, आक्रोश ऑपरेटर ऊपर तेज ही, वो बढ़ा दिल की बनी। बोलिए सदगुरुदेव की। बिहार में ब्राह्मण था पहले, सब जगह ब्राह्मण मुख्यमंत्री होता था। कभी सुने मुसहर दुसाद हुआ बिहार में, के बार हुआ तो जीतन राम मांझी 6 महीना के लिए, नहीं पिट्ठी ठोक करके नीतीश जी उसको कुर्सी पर बैठाया और उसका बात नहीं माना, कान पकड़ के ऐंठ करके नीचे उतार दिया और फिर अपने बन गया मुख्यमंत्री। तो वही बात सदगुरु कबीर ने देखा कि मंत्र से किसी का मरा हुआ बाप कहीं स्वर्ग चला जाएगा, इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा हे भाई अच्छा कर्म करो, माँ बाप को जिंदे में सेवा करो, माँ बाप को मरने के बाद